जय हिंद दोस्तों जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में कैसे आप लोग बताइए कैसे हैं आप लोग गुड इवनिंग भाई चरण स्पर्श धन्यवाद चलिए सब बढ़िया है जय हिंद सभी को आपकी बार सीजल पार धन्यवाद भाई चलिए पिछली क्लास में हम लोगों ने कहा तक क्वेश्चन किया था ये मुझे बताइए पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक खत्म कर दिया था सभी सवालों को अब क्वेश्चन नंबर 21 से आगे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना था और इन क्वेश्चंस को मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए भी थे कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है ठीक है अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ठीक है चलिए सवाल को देखिए क्या कहा गया है हाँ uh, सवाल को देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में कहा गया फाइन द ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टन बाई टू परसेंट कंपाउंडेड एनुअली फॉर वन ईयर दो मंथ यानी एक साल दो महीने के बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात हमें पता करना है कब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा साढ़े बारह परसेंट हो बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा क्या आप लोगों ने बनाया है ठीक है देखिए अगर आप साथ के साथ रिवाइज करके आएंगे ना तो मुझे बड़ी खुशी होगी लेकिन अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे और सारी उम्मीदें मेरे से लगा के बैठेंगे तो फिर मुझे बड़ा दुख होगा इस बात का ध्यान रखिए ठीक है क्योंकि मेरे पढ़ाने से ज़्यादा चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप खुद थोड़ा सा रिवाइज करके आएंगे अगर आप बिल्कुल एकदम ऐसे बन जाएंगे हसहाय की तरह कि नहीं सारा कुछ तो आप ही कराइए हम तो कुछ भी नहीं रिवाइज करेंगे तो बड़ा मेरे भाई है ना बड़ा दिक्कत आएगा ठीक तो है तो ध्यान रखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए रेट ऑफ़ इंटरेस्ट आपका कितना परसेंट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका साढ़ा बारह परसेंट है साढ़ा बारह परसेंट का मतलब कितना होता है एक बटे आठ होता है कितना होता है एक बटे आठ होता है यहाँ पे ठीक है समय आप देखेंगे तो समय आप बोलेंगे सर एक साल दो महीना दे रखा है समय हमारा कितना है तो एक साल दो महीना है मैंने कहा था सारा जो सारा खेल होता है वो समय का होता है यहाँ पर और रेट का होता है तो रेट को तो हमने फ्रैक्शन में तोड़ लिया अब उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर तो यहाँ पर एक साल दो महीना है इसके लिए हम कैसे यहां पर रेट को तोड़ेंगे तो हम यहाँ ये यह कहेंगे कि देखो एक साल दो महीने को कैसे तोड़ोगे तो एक साल को आप अलग लिख दो ठीक है और यहां पर दो महीने को अलग लिख दो ये बड़ा महत्वपूर्ण है ठीक है एक साल को अलग लिख दीजिए और दो महीने को क्या कर दीजिए अलग लिख दीजिए ये हमारा टाइम हो गया अब इसके अनुसार इसके रेट को लिखेंगे इस एक साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है तो बोलेंगे यहाँ पर वन बाई एट हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये वन बाई एट कितने महीने का है तो बारह महीने का है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे देखो वन बाई एट रेट है आप ऐसे समझो कि वन बाई एट रेट है और वन बाई एट कितने महीने का है तो बारह महीने का है हमें कितने महीने का चाहिए तो हमें दो महीने का चाहिए तो इसको हम ऐसे लिखेंगे पहले जो आपको दिक्कत आएगी समझने में वो यहीं पर आ सकता है कि सर ये क्या कर दिया जैसे मानो अगर हम बात करते हैं पाँच परसेंट तो मानो हम अगर ऐसा लिखें कि यार देखो पाँच परसेंट रेट है तो हम क्या कहते हैं कि पाँच परसेंट बारह महीने का है तो दो महीने का कितना होगा तो दो से गुना करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर जो रेट है वन बाई एट है और ये वन बाई एट कितने का है ये बारह महीने का है कितने का पता करना है दो महीने का तो दो से गुना करेंगे तो हमने कहा वन बाई एट कितने का है बारह महीने का तो बारह बट्टे भाग किया और गुना किया किससे यहाँ पर दो से तो दो से यहाँ मल्टीप्लाई किया अब वन बाई एट का जो एट है वो नीचे चलाएगा डिवाइड में वन बाई एट का यहाँ पर जो एट है वो नीचे चलाएगा डिवाइड में तो ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि वन बाई एट है तो न्यूमिनेटर ऊपर रह जाएगा डिनोमिनेटर नीचे चलाएगा दो से जब आप इसको काटेंगे तो चार बार में कटेगा बारह इंटू चार कितना हो जाएगा अड़तालीस यानी यहाँ पर जो ये इतना दिया गया है ये आठ नीचे चलाएगा और आठ इंटू चार ये हो जाएगा वन बाई अड़तालीस ठीक है तो अब आप यहाँ पर देखिए तो ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा और ये आपका अमाउंट हो जाएगा पहले साल में प्रिंसिपल अगर हमारे पास आठ रुपये था तो उसमें का ब्याज जोड़कर अमाउंट कितने का हो गया था नौ रुपये का और यहाँ दो महीनों के लिए अगर हमारा प्रिंसिपल अड़तालीस रुपये है तो अड़तालीस में हमें एक का ब्याज मिल जाएगा यानी ये कितना हो जाएगा उनचास रुपये यहाँ का कोई भी संख्या इसको नहीं काटता है तो गुना कर दो आठ इंटू आठ चौंसठ का चार हाथ में छः आठ के बत्तीस और छः अड़तीस हो जाएगा तीन सौ चौरासी इधर आ जाएगा और यहाँ पर करोगे तो नौ इंटू नौ, नौ इक्यासी का एक आठ हाथ में नौ चौके छत्तीस और आठ हमारा चौवालीस हो जाएगा तीन सौ चौरासी चार सौ इकतालीस ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो यहां पर जो है प्रिंस कुमार कहते हैं सर ये मेरी पहली लाइव क्लास है अगर प्रिंस जी आपकी पहली लाइव क्लास है तो आप इस क्लास को ना देखिए सबसे पहले आप कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नंबर वन को देखिए फिर आप दूसरी को देखिए फिर आप इस तीसरी क्लास को देखिए ठीक है सीक्वेंस वाइज चीजों को देखेंगे तो काफी फायदा होगा नहीं तो कोई फायदा नहीं है तो एक साल दो महीने को कैसे तोड़ना था एक साल को अलग दो महीने को अलग इससे एक साल के लिए एक बटे आठ और यहाँ पर ये यह बोलेंगे यदि एक बटे आठ बारह महीने का है दो महीने का कितना हो गया एक बटे अड़तालीस और फिर हमने यहाँ पर जो है इस तरीके से रेशियो लगा दिया परेशान होने की जरूरत नहीं है अभी कई सारे सवाल हमारे पास और भी है पेंडिंग में है हम उन्हें उन्हीं कंसेप्ट बनाते हैं जैसे यहाँ पर कहा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ट्व परसेंट कंपाउंडेड एनुअली फॉर टू ईयर एंड फाइव मंथ ठीक है अब यहां पर देखिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 12 है है ठीक और समय की यहां पर बात करते हैं तो समय हमारे पास दो साल ठीक और कितना है तो पांच महीने है दो साल और कितना है पांच महीने बस बहुत शानदार ये दो साल पांच महीने समय है ठीक है इस दो साल पांच महीने को कैसे लिखेंगे आप मुझे बताइए तो दो साल पांच महीने को आप यहां जब लिखेंगे तो आप बोलेंगे सर देखो सबसे पहले यहां पर इसके हम तीन टुकड़े करेंगे और तीन टुकड़े कैसे होगा तो वो देखो तो आप बोलोगे सर देखो इस दो साल पांच महीने में सबसे पहले एक साल होगा ठीक है फिर उसके बाद एक और एक साल होगा और फिर उसके बाद यहां पर पांच महीना होगा इस समय को ऐसे ही तोड़ेंगे पहले एक साल फिर एक साल और फिर कितना तो फिर पांच महीना एक साल एक साल और फिर पांच महीना कोई दिक्कत की बात है अब यहाँ बात करते हैं रेट को लेके, ठीक है रेट को बात करते हैं यहाँ पर तो देखो जब हमारे पास ऐसा रेट होता है जिसको फ्रैक्शन में बदला जा सके तो हम उसको फ्रैक्शन में शुरू में बदल लेते हैं और ऐसा रेट होता है कि जिसको शुरू में फ्रैक्शन में ना बदल के बाद में बदलना होता है तो हम उसको बाद में बदलते हैं जैसे अगर मानो यहाँ पर आप इसको शुरू में ही फ्रैक्शन में बदलना चाहते हो 12 परसेंट को तीन बटे पच्चीस लिखना चाहते हो तो आप शुरू में रेट बदल लो फ्रैक्शन में कोई परेशानी की बात नहीं है और यदि आप इसको बाद में बदलना चाहते हो तो आप बाद में बदल सकते हो तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं ठीक है यदि आप शुरू में बदलोगे तो क्या होगा और बाद में बदलोगे क्या होगा जैसे रेट 12 परसेंट है तो आप ऐसे ही उठा लो एक साल का रेट कितना हो गया 12 परसेंट एक साल का रेट कितना हो गया 12 परसेंट और पाँच महीने का रेट हमसे पूछा गया है ठीक है तो आप बोलेंगे सर देखो ये जो 12 परसेंट है ना ये हमारा 12 महीनों का रेट है कितने ताने 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 महीनों का रेट है बारह महीनों का रेट है और हमें कितने महीनों का निकालना है पाँच महीनों का तो बारह महीना से भाग करके पाँच महीना से गुना कर देंगे बारह से बारह खत्म महीना से महीना खत्म यहाँ कितना आ जाएगा पाँच परसेंट तो बारह परसेंट बारह परसेंट और यहाँ कितना हो जाएगा पाँच परसेंट कैसे तो बोलोगे सर बारह परसेंट बारह महीनों का तो पांच महीनों का कितना पाँच परसेंट ठीक है तो यहां पर हमने क्या किया कि हमने शुरू से ही रेट को सबको परसेंटेज में रखा अब हम सबको फ्रैक्शन में बदल दे रहे हैं बारह परसेंट का बट्टा कितना होगा तो बोलोगे सर बारह बटे सौ चार से काटेंगे तो तीन बार में कटेगा चार से काटेंगे पच्चीस बार में तो यानी ये हमारा हो जाएगा तीन बटे पच्चीस बारह परसेंट को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा तीन बटे पच्चीस पाँच परसेंट को करेंगे तो कितना हो जाएगा एक बटे बीस अब यहाँ पर देखते हैं प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो कितना होगा तो यहाँ पर हमारा पच्चीस है और पच्चीस में तीन का ब्याज लग जाएगा तो अट्ठाईस हो जाएगा यहाँ पर हमारा पच्चीस है पच्चीस में तीन का ब्याज लग जाएगा तो अट्ठाईस हो जाएगा और यहाँ पर हमारा पैसा बीस है बीस में का हाँ ब्याज लग जाएगा तो कितना हो जाएगा इक्कीस हो जाएगा ठीक है देखते हैं यहाँ पर कौन सी वैल्यू किसी को कहीं पर काट रही हो तो हमने कहा ठीक है सर ये देखो दो से अगर हम काटेंगे या चार से काटेंगे तो चार से पांच बार में कटेगा और चार से ये संख्या सात बार में कटेगी पच्चीस का पच्चीस गुना छ सौ पच्चीस होता है और 625 सौ पच्चीस का पांच गुना तो छे सौ का पांच गुना हमारा कितना हो गया तीन हजार पच्चीस का पांच गुना इकतीस सौ पच्चीस इधर आ जाएगा तीन हजार एक सौ पचीस तीन हजार एक सौ पच्चीस तो और चार हजार एक सौ सो सोलह ठीक है तो यहां पर जो है हमने क्या किया हमने रेट को स्टार्टिंग में फ्रैक्शन में नहीं बदला हमने पहले रेट को परसेंटेज में रखा और बाद में फ्रैक्शन में बदल दिया हमने रेट को पहले किस में रखा परसेंट में यह भी परसेंट में यह भी परसेंट में ये परसेंट में ये और फिर हमने उसको किस में बदल दिया फ्रैक्शन में बदल दिया अब मानो कोई स्टूडेंट कहता है नहीं आप स्टार्टिंग में फ्रैक्शन में बदलो और फिर उसके बाद आप ऐसे करो तो आप वैसे भी कर सकते हो जैसे यहाँ पर मैंने रेट को 12 परसेंट बारह परसेंट पांच परसेंट फिर इसको अलग फ्रैक्शन में तोड़ा इसको अलग फ्रैक्शन में तोड़ा इसको अलग फ्रैक्शन में, में तोड़ा फिर उसके बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखा लेकिन अगर मान लो यहाँ पर कि कोई स्टूडेंट कहता है कि नहीं गुरुदेव ऐसा मत करिए ठीक है आप बोले थे रेट को पहले फ्रैक्शन में तोड़ने को तो आप बाद में कहा तोड़ रहे हैं आप अपने जुबान पे टिके हुए नहीं हैं आप एकदम इसको जो है शुरू में ही तोड़ दीजिए हम बोले यार इसमें इसमें कोई बड़ी बात है 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 ही नहीं ठीक हाँ पर जो है को तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? तीन बटे पच्चीस आ जाएगा तो रखो तो बोलोगे एक साल के लिए कितना हो जाएगा तो एक साल के लिए तीन बटे ठीक है फिर एक साल के लिए कितना हो जाएगा तो तीन बटे हो जाएगा हो जाएगा अब यहाँ पर मुझे पांच महीने के लिए निकालना है तो मैं यहाँ पर बोलूंगा मेरी बात को समझना कि ये जो तीन बटे पच्चीस है ये जो तीन बटे पच्चीस है ये कितने महीने के लिए है तो बारह महीने के लिए है मुझे कितने महीनों के लिए निकालना है तो पाँच महीनों के लिए तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा तो मैं यहाँ पाँच महीने से गुना करूंगा कि ये जो भी है ये बारह महीने का वैल्यू है मुझे तो पाँच महीने की वैल्यू चाहिए अब ये पच्चीस सड़क के नीचे आ जाएगा क्यों क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा डिनोमिनेटर से गुना हो जाएगा तो यहाँ पर ये तीन तो ऊपर ही रहेगा पचीस नीचे आ जाएगा बारह के साथ गुना हो जाएगा और ये पांच ऊपर रहेगा फिर पांच से काटोगे पांच बार में तो तीन बटे कितना हो जाएगा साठ हो जाएगा यानी पांच महीनों के लिए कितना हो जाएगा तो तीन बटे साठ हो जाएगा तो हम कितना लिखेंगे तीन बटे साठ लिखेंगे ठीक है अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे तो प्रिंसिपल और अमाउंट लिखेंगे यहाँ प्रिंसिपल हमारा पच्चीस है तो पच्चीस में तीन हो गया तो कितना ऐड हो जाएगा अट्ठाईस यहाँ प्रिंसिपल हमारा पच्चीस है पच्चीस में तीन ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा अट्ठाईस यहाँ प्रिंसिपल हमारा साठ है साठ में तीन जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा तिरसठ हो जाएगा ठीक अब आगे काटो यहाँ पे कोई परेशानी की बात नहीं है ठीक है काट लो तो बोलोगे सर देखो इसको थोड़ा काटते हैं अगर हम इसको काटें पाँच से सॉरी चार से काटेंगे तो पंद्रह बार में कटेगा और चार से काटेंगे यहाँ पर तो ये सात बार में कटेगा तीन से काटेंगे तो पाँच बार में कटेगा ठीक है और तीन से काटेंगे तो इक्कीस बार में कटेगा पच्चीस इंटू पच्चीस इंटू पच्चीस इकतीस पच्चीस आ जाएगा और अट्ठाईस इंटू सात इंटू इक्कीस दो हजार सॉरी चार हजार एक सौ सोलह हो जाएगा ठीक है और यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर तो इस बात से कभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपने रेट को जो है शुरू में परसेंटेज में रखा और बाद में फ्रैक्शन में बदला या शुरू में ही फ्रैक्शन में बदल दिया और तब तो आपने सॉल्व कर लिया ये दोनों तरीके आपके पास हैं आप दोनों तरीकों को कर सकते हैं ठीक है समझ में आ गया बात यहां पे मिस तनुश्री कह रही हैं कि फाइव डिवाइडेड बाई बारह इंटू बारह करे तो तनुश्री हमने यहां पर वही किया है अगर हम यहाँ पर अगर आपने देखा नहीं था तो हमने यहाँ पर वही किया था ये कैसे आया था तो आपने यहाँ पर जो है फाइव डिवाइडेड बाई बारह इंटू बारह नहीं कर सकते तो ये गलत है वो कैसे आप अपने हिसाब से लगा सकती हैं फाइव डिवाइडेड बाई बारह इंटू बारह नहीं होगा बारह डिवाइडेड बाय बारह इंटू फाइव होगा बारह डिवाइडेड बाई बारह इंटू फाइव यानी यहाँ पर जो हम लिखते हैं यहाँ पर तो हम कैसे लिखेंगे तो हम बोलेंगे देखो जो ये बारह परसेंट है ना ये जो 12 परसेंट है ये 12 महीने का रेट है हमें तो पांच महीने का चाहिए तो 12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू फाइव करते हैं जिसके वजह से हमारा ये 12 और 12 खत्म हो जाता है और सिर्फ 5 परसेंट बचता है और 5 परसेंट की वैल्यू 1 बाई ट्वेंटी होती है ठीक है समझ में आ गया बात यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर तेईस देखिए जो आपके सी में पूछा गया शिफ्ट वन का क्वेश्चन है हाँ जी सवाल को देखिए क्या कहा है सवाल में कहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दस्ट फोर्टी सिक्स थाउजेंड फॉर टू ओ बाई फाइव ईयर एट फिफ्टीन परसेंट कंपाउंडेड एनुअली नियरेस्ट टू अ वूपी कहने का मतलब क्या है कि छियालीस हजार रुपए पर दो सही दो बटे पाँच वर्षों के लिए पंद्रह के हिसाब से चक्रविधि ब्याज कितना होगा ये आप मुझे बताइए ठीक है अब आप मुझे एक बात बताइए छोटी सी बात यहाँ पर आप ज़रा समझिए आपको प्रिंसिपल दिया है तो बोलेंगे हाँ सर टाइम दिया है तो हाँ सर रेट दिया है तो हाँ सर पूछा क्या है ब्याज क्या आप इस सवाल को ये बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट में रेशियो मेथड से कर सकते हैं तो हाँ सर कर सकते हैं तो बस लगाइए यहाँ रेशियो में और रेशियो लगाकर इस सवाल को सॉल्व करिए प्रिंसिपल आपका कितना है तो बोलेंगे सर छियालीस हजार है तो यहाँ छियालीस हजार आपने रिख दिया ठीक है आप मुझे बताइए यहाँ पर जो रेट है वो आपका कितना है टाइम कितना है तो टाइम जो है वो आपका है दो सही दो बटे पांच साल दो सही दो बटे पांच साल है और रेट आपका कितना है तो रेट आपका पंद्रह परसेंट है बस तोड़ना किसको होता है यहां पर तो ये जो समय दिया गया इसी को तोड़ो ये जो समय है इसी को तोड़ो तो पहले समय यहाँ एक साल में टूटेगा फिर उसके बाद एक और साल में टूटेगा दो साल हो गए एक साल एक साल दो साल हो गए और फिर यहाँ बोलोगे दो बटे पाँच साल में इसमें ऐसे टूटेगा यह समय है यह क्या है समय है अब इसके अनुसार रेट भी टूटेगा बताओ तो बोलोगे हाँ सर रेट भी टूटेगा तो रेट को तोड़ लो सबसे पहले पंद्रह परसेंट है तो एक साल का रेट कितना हो जाएगा पंद्रह परसेंट फिर एक साल का रेट कितना हो जाएगा पंद्रह परसेंट और यहाँ दो बटे का बताना है तो क्या करोगे पंद्रह को दो बटे पाँच से गुना करोगे बताया था ना मैंने कि अगर मानो आधा साल है तो रेट को आधे से गुना एक तिहाई साल है तो रेट को एक तिहाई से गुना दो बटे पांच साल है तो रेट को इससे गुना पांच से काटा तीन बार में तो बोलोगे सर ये परसेंट है अब यहाँ जब सारे के सारे परसेंट में आ चुके हैं और मेथड आपको रेशियो लगाना है सक्सेसिव नहीं लगाना है तो रेशियो मेथड लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा सभी रेट को तोड़ना पड़ेगा पंद्रह परसेंट को जब फ्रैक्शन में लिखोगे तो पंद्रह बटे सौ आएगा यानी तीन बटे बीस हो गया ये पंद्रह बटे सौ आएगा तो तीन बटे बीस हो गया और यहाँ छः परसेंट आएगा तो छः परसेंट का मतलब क्या हो गया छः बटे सौ दो से तीन बार में और दो से कितनी बार में पचास बार में तो ये आपका तीन बटे पचास आ जाएगा ठीक प्रिंसिपल यहाँ लिखेंगे अमाउंट यहाँ लिखेंगे एकदम सरल तरीके से प्रिंसिपल हमारा बीस है बीस में तीन का ब्याज तो हो जाएगा तेईस यहाँ प्रिंसिपल हमारा बीस है तीन का ब्याज हो जाएगा तेईस यहाँ प्रिंसिपल हमारा पचास है पचास में तीन का ब्याज हो जाएगा तिरपन ठीक है पाँच इंटू दो दस दस इंटू दो कितना हो जाएगा बीस हो जाएगा और तीन जीरो सात में आ जाएंगे तो ये दो हजार हो जाएगा बीस हजार दोबारा से देखो पाँच इंटू दो दस दस इंटू दो बीस हो गया यहाँ पे और तीन जीरो के तीन जीरो आ गए यहाँ पर हमें तेईस इंटू तेईस इंटू तिरपन करना पड़ेगा थोड़ा सा गुना करना पड़ सकता है तो इतना गुना आप करेंगे तो आप बोलेंगे सर तेईस का स्क्वायर कितना हो जाएगा पाँच हो जाएगा और उसको किससे गुना करना पड़ेगा तिरपन के साथ यहाँ पर ऐसे क्योंकि तेईस का स्क्वायर पांच सौ उनतीस होता है ठीक है तो नौ इंटू तीन सत्ताईस का साथ दो हाथ में तीन छह दो आठ आ गया आपका उन्तीस का तीन गुना सत्ताईस पांच तीन पंद्रह हो जाएगा ठीक है नौ पचास पैंतालीस का पांच चार हाथ में पांच दस चार चौदह का चार, चार एक हाथ में पच्चीस छब्बीस हो जाएगा तो अल्टीमेट ये हो जाएगा सात आठ सात पंद्रह पाँच चार नौ दस ठीक है छ एक सात एक आठ अट्ठाईस हजार जीरो सत्तावन ऐसे करके ठीक है इन सबको गुना करने आएगा। था, पर अट्ठाईस देखिए तो यदि आपका प्रिंसिपल इतना होता है तो इतना रुपए का अमाउंट बन जाता है और इतने रुपए का क्या होता है ब्याज बन जाता है सवाल में क्या आपको यहाँ पर प्रिंसिपल दिया गया है तो आप बोलेंगे नहीं सर प्रिंसिपल नहीं दिया सॉरी दिया है ठीक है और कितना दिया है छियालीस हजार रुपए प्रिंसिपल कितना दिया हजार रुपए तो हम यहाँ पर यह बात बोलेंगे कि सर जो छियालीस हजार रुपये सवाल में दिया गया है ये किसका वैल्यू है तो ये प्रिंसिपल का वैल्यू है यानी ये कितने का मान है तो यहाँ पर यह दो डबल जीरो डबल जीरो का मान है और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है तो एट जीरो फाइव सेवन का निकालना है तो एट जीरो फाइव सेवन का गुना लगाना पड़ेगा तीन जीरो से हमारे तीन जीरो खत्म हो जाएंगे दो से काटेंगे तो दस बार में और दो से काटेंगे तो यहाँ तेईस बार में तेईस का गुना यहाँ पर इसके साथ लगाओ ठीक है तेईस का गुना यहाँ पर इसके साथ लगाओ तेईस का सात गुना कितना होगा तो एक सौ इकसठ होगा ठीक है एक सौ इकसठ का यहाँ पर एक लिख लो सोलह हाथ में आ जाएगा तेईस का पांच गुना कितना होगा बताओ यहाँ पर तो तेईस का पांच गुना जो है आपका एक सौ पंद्रह एक सौ पंद्रह और एक सोलह कितना हो जाएगा एक सौ इकतीस एक सौ इकतीस का एक और तेरह हाथ में ठीक है फिर तेईस का जीरो यहाँ तीन आ जाएगा एक हाथ में तेईस का आठ गुना कितना होगा तो आठ दोनी सोलह और आठ तिर के चौबीस ठीक है एक सौ चौरासी एक सौ चौरासी और यहाँ पर जो है एक एक सौ पिचासी आ जाएगा वन एटी फाइव आप कह सकते हो ठीक है कितना हो सकता है वन एटी फाइव आ जाएगा दशमलव लगाना है तो इतना हो जाएगा यानी एक आठ पाँच तीन एक दशमलव एक ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा एक आठ ठीक है अठारह हज़ार चार सौ पचासी ठीक है अट्ठाईस जीरो सैंतीस होगा अच्छा हाँ माफ़ करेगा यहाँ पे अट्ठाईस जीरो सैंतीस होगा ठीक है एक बार यहाँ गुना करने में हो सकता है यहाँ पर जो है दिक्कत हुई होगी तो एट ज़ीरो थ्री सेवन हुआ होगा ठीक है हाँ अट्ठाईस जीरो सैंतीस अट्ठाईस जीरो सैंतीस हो गया यहाँ पे और फिर हमें यहाँ पर आठ हज़ार सैंतीस के साथ गुना करना पड़ेगा अब आठ हज़ार सैंतीस के साथ जब हम यहाँ गुना करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा तेईस का सात गुना कितना हो गया सत्रह के इक्कीस एक सौ इकसठ का एक छः हाथ में आ गया आपका ठीक है सोलह हाथ में आ गया तेईस का तीन नौ तीन तीनों तीन छः सिक्सटी नाइन सिक्सटी नाइन सेवेंटी नाइन और एट्टी फाइव का फाइव आठ हाथ में आ गया आठ यहाँ लिख दिया आपने आठ तिर के चौबीस का चार दो हाथ पांच सोलह दो अठारह एक सौ चौरासी ठीक है वन एट फोर एट फाइव ये आपका आ गया एक सौ चौरासी पचासी एक सौ चौरासी पचासी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर ठीक है सूर्या कहते हैं सर टाइम सही करिए ऊपर टाइम तो सही कर रखा है सूर्या जी अब टाइम को और कैसे सही करें बताइएगा उत्कर्ष कहते हैं सर एडवांस स्टार्ट करिए हम यूपी वाले हैं अपना मोबाइल तोड़ देंगे उत्कर्ष जी 25 तारीख के बाद एडवांस शुरू कर देंगे इसलिए 25 तारीख तक सब्र बनाए रखें ठीक है क्लियर हुआ यहाँ पर कोई परेशानी की बात है तो बताओ दीवान आई एम कंफ्यूज इन टाइम वॉट टू डू दीवान आप जिंदगी भर कंफ्यूज ही रहेंगे मुझे लगता है हर टॉपिक में कभी ना कभी हर बार आपको दिक्कत ही आता है या तो आप जाकर रिवाइज नहीं करते हैं सीधा क्लास में आते हैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा प्रॉब्लम होगा फिर यहां पर कमेंट कमेंट करना शुरू करते हैं भाई यार थोड़ा पढ़कर भी आ जाया करो ये बात बताओ इसमें तुम्हें क्या कन्फ्यूजन है दो सही दो बटे पाँच लिखा गया है पिछली क्लास अगर देखी होती साफ तौर पर कहा था कि पहले एक साल लिखा होता है फिर एक साल लिखा होता है फिर यहाँ दो बटे पाँच होता है अगर पिछली क्लास पढ़ा था और उसके पिछली क्लास को पढ़ा था एक साल का रेट पंद्रह परसेंट फिर एक साल का रेट फिर पंद्रह परसेंट ये दो बटे पाँच साल है अगर एक साल का रेट पंद्रह है तो दो बटे पाँच का कितना होगा इसमें क्या कन्फ्यूजन है अगर एक रुपये में पाँच आम मिलते हैं तो तीन रुपये में कितने मिलेंगे पंद्रह मिलेंगे कैसे पता चलता है कि एक रुपये में पाँच आम तो तीन रुपये में पाँच इंटू तीन ठीक है अगर मैं बोलता हूँ एक रुपये में कितने आम पाँच आम तो तीन रुपये में कितना होगा तो सर पाँच इंटू तीन होगा वही बात है एक साल का रेट पंद्रह परसेंट है तो दो बटे पाँच साल का कितना होगा तो पंद्रह को दो बटे पाँच से गुना करेंगे पाँच इसको तीन बार में काटेगा तीन इंटू दो छः परसेंट हो जाएगा हर परसेंटेज को रेट में तोड़ना एक महीने तक परसेंटेज पढ़ा असर कुछ भी नहीं जब रेशियो को जानते ही नहीं हो तोड़ना कैसे होता है तो आ सवाल देखिए देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कहा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड फाइव मंथली फॉर वन ईयर थ्री मंथ ठीक है अब यहां पर यह सवाल देख लो जरा एकदम नया क्वेश्चन है फ्रेश क्वेश्चन है और पेपर में ये क्वेश्चन सबकी जान लेके बैठा है ठीक है जान हलक पे लगा के बैठा हुआ है और कौन सा वाला क्वेश्चन ये फाइव मंथली ये फाइव मंथली ऐसा है जो आपको इतना परेशान करेगा इतना परेशान करेगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है क्योंकि सवाल सिर्फ फाइव मंथली पे नहीं पूछा जाएगा फाइव मंथली सेवन मंथली नाइन मंथली एलेवन मंथली ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है ठीक है तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे देखिए सर सवाल में पूछा क्या है सवाल में कहा गया मूलधन और मिश्र धन का जो है वो हमें अनुपात बताना है कि हम अनुपात कैसे लिखेंगे ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है तो 12 परसेंट है ठीक और समय हमारा एक साल तीन महीना है तो यदि हमें हर देखो फाइव मंथली का मतलब यहाँ पर यह होता है कि आपको अब साल के अंत में पैसे नहीं देने हैं आपको हर पाँच महीने में जाके जो है वहाँ पर जाकर ब्याज दे देना है जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे पैसे लेकर आया और फाइव मंथली पर लेकर आया यानी अब हर पांच महीने में मैं जाऊंगा और जाकर आपको क्या करूंगा तो ब्याज दूंगा ठीक है अब मुझे साल के अंत में नहीं देना है तो ऐसे हालात में हम क्या करते हैं ऐसे हालात में हमेशा इस बात को समझिएगा मैं शुरू से ये बात कहते आ रहा हूं कि जो रेट दिया गया होता है वो भी गलत होता है और जो समय दिया गया होता है वो भी गलत होता है हमें अपना रेट निकालना होता है और हमें अपना समय निकालना होता है आगे चलकर ऐसे क्वेश्चन को हम सक्सेसिव से भी करेंगे या फिर हम रेशियो से किसी से भी करेंगे तो हमें इस छोटी सी बात का ध्यान देना होगा और वहां पर क्या ध्यान देना होगा कि ये फाइव मंथली आ गया सेवन मंथली आ गया इलेवन मंथली आ गया कुछ भी आ गया तो हमें अपना रेट निकालना है अपना टाइम निकालना है एग्जामिनर के अनुसार उसने जो हमें रेट दिया है वो कितना दिया है तो बारह का रेट दिया है और साथ में उसने जो हमें टाइम दिया है वो कितना दिया है तो हमने कहा सर वन ईयर थ्री मंथ दिया है कितना दिया है वन ईयर थ्री मंथ यहाँ पर दिया गया है बस ठीक है और बाकी यहाँ पर ये फाइव मंथली को ध्यान रखना कि ब्याज कैसे दे रहे हो तो हर पांच महीने पे एक बार जाकर ब्याज दे रहे हो तो कैसे करोगे तो आप यहाँ पर बोलोगे सर बहुत ही आसान काम है समझिए मेरी बात को ठीक है एग्जामिनर ने जो रेट दिया वो भी गलत है जो टाइम दिया वो भी गलत है हम अपना रेट निकालेंगे और हम अपना रेट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे तो हम बोलेंगे सर ये जो बारह परसेंट का रेट है ये हमारा बारह महीनों का रेट है? है? है कितने महीनों का रेट है बारह महीनों का रेट है कितने महीनों का रेट है बारह महीनों का और अगर हम बात करते हैं यहां पर, पर तो ये हमारा बारह महीनों का रेट है हमें यहाँ पर फाइव मंथली के हिसाब से चलना है तो हम पाँच महीनों का रेट निकालेंगे यानी इसको पाँच से गुना करेंगे अगर हमें सेवन मंथली के हिसाब से चलना होता तो हम इसको सेवन से गुना करते हैं अगर हमें नाइन मंथली के हिसाब से चलना होता तो हम इसको नाइन से गुना करते हैं अगर हमें हाफ़ ईयरली चलना होता तो हाफ़ ईयरली का मतलब सिक्स मंथली होता है तो हम इसको सिक्स से गुना करते हैं हमने कहा बारह से बारह कट गया तो रेट हमारा कितना आ गया पाँच आ गया आ गया कि नहीं आ गया तो आ गया ये हमारा टाइम हो गया सॉरी ये हमारा रेट हो गया अब टाइम की बात करते हैं टाइम में कितना करना होता है क्या करना होता है जो भी समय दिया गया उसको महीने में लिख दो एक साल में बारह महीना और तीन महीना कुल मिलाकर कितना महीना हो गया तो बोलोगे सर पंद्रह महीना हो गया ठीक है और ब्याज आप कैसे दे रहे हो तो फाइव मंथली दे रहे हो अगर आप फाइव मंथली दे रहे हो तो इसको फाइव मंथ से डिवाइड कर दो और अगर आप सेवन मंथली दे रहे हो तो आप सेवन मंथ से डिवाइड कर दो नाइन मंथली दे रहे हो तो नाइन से डिवाइड कर दो कितनी बार तो बोलोगे सर समय तीन बार यहाँ पर समय जो यहाँ तीन आएगा ना ये हमें ये बताएगा कि हमें रेशियो कितनी बार लगानी है समय अगर एक बार आ गया तो यानी रेशियो एक बार लगेगा दो आ गया तो दो बार लगेगा तीन आ गया तीन बार लगेगा अगर आप सक्सेसिव से भी सवाल को बनाते होंगे तो सक्सेसिव से भी आपको इतना ही करना पड़ेगा कि रेट आपको इतना परसेंट निकालना पड़ेगा और समय आपको इतना और तब सक्सेसिव निकालना पड़ेगा मैं अभी से भी एक बात समझा देता हूँ कभी भी लाइफ में इस बात को ध्यान रखना जहां पर भी आप ये बात पढ़ो फाइव मंथली सेवन मंथली नाइन मंथली अलेवन मंथली तो वैसे केस में लाइफ में हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि एग्जामिनर ने जो रेट दिया है वो भी गलत है और जो टाइम दिया है वो भी गलत है रेट कैसे निकालते हैं जो दिया गया होता है वो बारह महीने का रेट होता है तो पांच महीने के लिए पांच से गुना करते हैं और समय कैसे निकालते हैं तो जो समय दिया गया उसको महीने में भाग कर देंगे ठीक है यानी पंद्रह महीने है और उसको हम पांच महीने से भाग करते हैं ठीक है चलिए तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारा रेट भी आ गया हमारा टाइम भी आ गया इस पाँच परसेंट को बच्चे क्या लिखेंगे तो बोलेंगे सर रेशियो मेथड लगा रहे हैं ना तो हाँ तो पांच परसेंट को रेशियो में लिखिए तो पांच परसेंट रेशियो में कितना हो जाता है एक बटे बीस हो जाता है तो हाँ सर एक बटे बीस लिखिए फिर ठीक है अब यहाँ लिखिए प्रिंसिपल और यहाँ लिखिए अमाउंट ठीक प्रिंसिपल हमारा कितना है बीस है और बीस में का ब्याज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा इक्कीस ये रेशियो कितनी बार लगाना है तीन बार कितनी बार लगाना है तीन बार तो बीस से इक्कीस हो गया फिर हमारा बीस से फिर इक्कीस हो गया और फिर हमारा बीस से वापस कितना हो गया इक्कीस हो गया बीस का क्यूब कितना हो जाएगा तो आठ हजार हो जाएगा और इक्कीस का क्यूब कितना हो जाएगा बानबे इकसठ हो जाएगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा सर देखिए कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है क्योंकि पहले हमें किसका रेशियो बोला था प्रिंसिपल और फिर अमाउंट तो आठ हज़ार से बानवे सौ इकसठ आएगा और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ठीक है क्लियर है बताइए तो रेट हमने 12% परसेंट लिख दिया समय भी हमने लिख दिया फिर रेट को हमने क्या किया तोड़ा कि देखो जो 12% परसेंट है वो 12 महीनों का है तो 5 महीनों का कितना होगा तो 5 महीने के लिए 5 से गुना करके रेट निकाल दिया 5 महीनों के हिसाब से असल में हम यहां ऐसा क्यों करते हैं तो हम यहां यह समझने की कोशिश करते हैं कि देखो सामने वाला जो व्यक्ति है ना वो हमसे 1 साल 3 महीने के लिए पैसा लेकर गया है यानी कुल पंद्रह महीनों के लिए पैसा लेकर गया है और वो हर पांच महीने में मेरे दरवाजे पर पैसा देने आ जाता है ब्याज देने आ जाता है यानी उसने पैसा मुझसे मानो अगर तीन साल का लिया होता और हर साल के अंत में वो मुझे पैसा देता तो वो कुल कितनी बार पैसा देता तीन बार पहले साल के अंत में फिर दूसरे साल के अंत में फिर तीसरे साल के अंत में अब वो व्यक्ति मुझसे पैसा लेकर गया है और हर पांच महीने पे वो मुझे ब्याज लाकर दे रहा है तो पंद्रह महीनों में वो कितनी बार देगा ब्याज तीन बार देगा तो इसीलिए हम पहले ये पता करते हैं कि वो मुझे कितनी बार ब्याज देगा तो वो मुझे तीन बार ब्याज देगा अब फिर हम ये पता करते हैं कि देखो यदि वो साल के हिसाब से मुझसे पैसे लेकर जाता तो एक साल का वो मुझे बारह परसेंट पैसा देता लेकिन वो तो पाँच पाँच महीने के हिसाब से पैसा लेके जा रहा है तो मैं उसको पाँचे महीने का ना रेट चार्ज करूँगा ऐसा तो होगा नहीं कि आप मुझे जो है पैसा मुझसे एक साल के हिसाब से लेके जा रहे हैं और हम आपको ब्याज दो साल के हिसाब से लेके लगा रहे हैं नहीं ना अगर आप मुझे पाँच महीने पर ब्याज देकर आ रहे हैं तो मैं जब हिसाब करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि आप पाँच महीने पर मुझे ब्याज देने आए हैं तो मैं पांच महीने का ही ब्याज लगाऊँ ना कि पूरे साल का लगाऊं तो जो बारह परसेंट होता है वो पूरे साल का ब्याज होता है आप मुझसे पांच महीने के लिए पैसा लेकर गए हो तो मैं पांच महीने के हिसाब से रेट लगाऊंगा तो मैं ये कहूंगा देखो बारह परसेंट अगर बारह महीने का था तो पांच महीने का कितना होगा पांच परसेंट तो यहां से रेट निकलता है यहां से टाइम निकलता है और फिर उसका क्या निकलता है तो सक्सेसिव निकलता है ठीक है आइए अब यहाँ पर सेम तरीके से क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है सेम कहा गया है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बारह होगा और यहां पर कहा गया है कंपाउंडेड सेवन मंथली ठीक है कंपाउंडेड सेवन मंथली फॉर वन ईयर नाइन मंथ अब आप मुझे एक बात बताइए क्या करना होता है ऐसे सवालों में तो आपको रेट को भी तोड़ना होता है और आपको समय को भी यानी एग्जामिनर ने जो रेट दिया है वो भी गलत है और जो टाइम दिया है वो भी गलत है तो आप क्या करोगे आप यहां पर ये बात बोलोगे कि सर देखिए जो रेट दिया है वो क्या दिया है तो रेट हमारा दिया गया है बारह ये 12 परसेंट कितने महीनों के लिए है तो 12 महीनों के लिए हमें कितने महीनों के हिसाब से चाहिए तो हमें सेवन मंथली है यानी कितने महीने से गुना करेंगे सात महीने से कि सर अगर 12 महीने के लिए पैसा लेते तो 12 परसेंट रेट लगाते सात महीने के लिए लेंगे तो रेट कितना लगेगा तो रेट हमारा सात परसेंट लगेगा यानी हमने अपना रेट निकाल लिया अब बात करते हैं टाइम को लेकर टाइम को मैंने क्या कहा था उसको महीने में बदल दो यहाँ पर एक साल नौ महीना है तो ये बारह महीना और नौ महीना कितना महीना हो जाएगा तो बोलोगे सर इक्कीस महीना हो जाएगा कितना महीना हो जाएगा इक्कीस महीना और ब्याज देने कितने महीने पे पहुंच जाते हो तो सात महीने पे पहुंच जाते हो यानी कुल कितनी बार ब्याज दोगे तो इक्कीस बटे सात यानी कुल मिलाकर तीन बार ब्याज दोगे हर सात महीने पर ब्याज देना है आपको तो इक्कीस महीने में कितनी बार ब्याज दोगे तीन बार दोगे सात महीना फिर सात महीना फिर सात महीनास तो महीने में कितना हो जाएगा तीन बार ब्याज दे दोगे ठीक है चलो अब यहां बात करते हैं सात परसेंट को तो सात परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा सात बटे में कितना हो जाएगा सौ अब यहां पर देखिए तो सात बटे सौ का रेशियो कितनी बार लगाना है तीन बार तो यहां प्रिंसिपल लिखा यहां अमाउंट लिखा प्रिंसिपल कितना है तो सौ है और अमाउंट कितना है तो सौ में सात ज़्यादा यानी एक सौ सात है रेशियो कितनी बार लिखना है तीन बार तो यहाँ क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे दो बार लिखना होता तो स्क्वायर करते एक बार लिखना होता तो ऐसे लिखते हैं सौ का क्यूब कितना हो जाएगा दो दो चार और दो छीरो हो जाएगा और एक सौ सात का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे ठीक है इसके सारे ऑप्शंस गलत हैं मुझे लग रहा है बारह नौ इक्कीस साल सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं ठीक है हाँ यहाँ पर असल में है ना समय में थोड़ा सा गड़बड़ है वन ईयर नाइन मंथ नहीं आएगा असल में यहाँ पर वन ईयर टू मंथ आएगा यहाँ नाइन मंथ नहीं आएगा यहाँ पर जो है ना असल में जो सवाल है वो यहाँ पर नौ माह के जगह पर दो माह आएगा यहाँ पर लिखिए कितना आएगा टू मंथ आ जाएगा वन ईयर टू मंथ आ जाएगा जब वन ईयर टू मंथ आ जाएगा तो फिर हम यहाँ पर क्या बोलेंगे तो फिर हम यहाँ पर ये बात कहेंगे कि एक साल दो महीना यानी बारह महीना और दो महीना कितना हो जाएगा चौदह महीना और हर सात महीने पर ब्याज देना है यानी ब्याज हमें कितनी बार देना होगा तो दो बार देना होगा तो फिर यहाँ हम क्या लिखेंगे प्रिंसिपल और यहाँ हम क्या लिखेंगे अमाउंट फिर यहाँ पर हम कहेंगे कि प्रिंसिपल हमारा कितना है तो सौ रुपया और उसमें हमारा अमाउंट कितना है तो सौ में सात ज्यादा यानी एक सौ रेशियो को हमें कितनी बार लगाना है दो बार तो अगर हमें रेशियो दो बार लगाना है तो हमें इसका यहां पर क्या करना पड़ेगा स्क्वायर और यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर यहाँ पर वन डबल जीरो डबल जीरो आ जाएगा और 107 का स्क्वायर हम आपको ट्रिक बताए थे कि कैसे निकालते हैं 100 से ये कितना ज्यादा है सात ज्यादा है तो इसमें सात जोड़ दो 107 में सात जोड़ोगे एक और सात का स्क्वायर हो जाएगा उनचास ये हमारा सही आंसर है ठीक है अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इसको करेक्ट कर लीजिए ऑप्शन नंबर ए को ही ऐसा बना लीजिए ऑप्शन नंबर ए के सारे ऑप्शन को ये बाद में मिटा के असल में यहाँ पर ये सही ऑप्शन है ये थोड़ा सा ऑप्शन पेपर में गलत दिया गया शीट में ठीक है तो वन वन फोर और फोर नाइन हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा तो देखा आपने कि कैसे आपने यहाँ पर जो है क्वेश्चन को काफी आसान तरीके से आपने बना लिया बहुत आसान था जो 12 परसेंट था वो 12 महीने का रेट था तो सात महीने के लिए सात से गुना कर दिया रेट सात परसेंट आ गया और जो समय था वो टोटल चौदह महीना था हर सात महीने पर हमें यहाँ पर किसी को ब्याज देना है तो हम यहाँ कितनी बार ब्याज देंगे दो बार सौ से एक सौ सात हो जाएगा और फिर सौ से एक सौ सात यानी सौ का स्क्वायर से एक सौ सात का स्क्वायर तो ये हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट हो जाएगा अब आप पूछेंगे कि सर क्या इस कंसेप्ट में सवाल आते हैं तो बिल्कुल आते हैं आपके सामने दो हजार इक्कीस का एक मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्या कहा गया ठीक है सीजीएल तेरह अगस्त दो हजार इक्कीस का क्वेश्चन है कहा गया वॉट इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ऑफ एट वन नाइन टू फॉर वन होल फाइव इट फिट पर फाइव मंथली आ गया ना पांच मंथली का एक सवाल गौर से देखिए यहाँ पर तेरह अगस्त दो हजार इक्कीस यानी ये सीजल दो हजार बीस का क्वेश्चन है ठीक है अब यहाँ पर जो है भूमियार रोहित शर्मा कहते हैं कोई और मेथड नहीं है क्या गुरु है बिल्कुल है सक्सेसिव का मेथड है परेशान मत होइए हम सक्सेसिव का जब मेथड आपको कराएंगे ना आगे तो हम वहां पर आपको ये क्वेश्चन करा देंगे ठीक है सक्सेसिव है आप शीट में देखिए फाइव मंथली के क्वेश्चन एक बार नहीं दो दो जगह पर दिए गए हैं हम वहां भी करा देंगे बट इतना जो है हताश निराश मत होइए ठीक है थीके? अभी आप लोग आराम से देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आप लोग को बहुत मजा आने वाला है बस शुरू में ही चार पांच क्वेश्चन जो है वो टफ हैं और बस ये लास्ट है इसके बाद आपको बहुत आसान आसान क्वेश्चन आपको मिलने वाला है परेशान मत हो बहुत आसान मिलेगा आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए होगे आपको उतना आसान मिलेगा बस थोड़ा सा पेशेंस रखो मैंने कहा कि जब भी ये फाइव मंथली सेवन मंथली नाइन मंथली पाँच मासिक छः मासिक छह मासिक सात मासिक ऐसे करके दें तो क्या करते हैं अपना रेट निकालते हैं अपना टाइम निकालते हैं रेट की अगर हम यहाँ बात करें तो रेट में यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर जो रेट दिया है वो क्या दिया है पंद्रह परसेंट है और ये पंद्रह परसेंट जो रेट है ये कितना है तो ये पंद्रह परसेंट पर एन है यानी एक साल का रेट है यानी ये बारह महीने का रेट है हमें रेट कितने का निकालना है तो पाँच महीने का रेट निकालना है तो किससे गुना करेंगे तो पांच से गुना करेंगे ठीक है तो यहां पर फिर हम कहेंगे सर देखो तीन से काटोगे तो चार बार में जाएगा तीन से काटोगे तो पांच बार में जाएगा यानी यहाँ पर आ जाएगा पच्चीस बटे चार प्रतिशत पच्चीस बटे चार प्रतिशत फिर अगर यहाँ देखोगे तो ये पच्चीस आ गया तो पच्चीस लिखो चार आ गया तो यहाँ चार लिखो प्रतिशत को जब हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा सौ आ जाएगा परसेंटेज हटता है तो नीचे सौ आ जाता है पच्चीस से काटोगे चार बार में तो रेशियो आपका एक बटे सोलह आ जाएगा एक एक स्टेप हम आपको बता रहे हैं एक एक स्टेप एक एक स्टेप रीजन ताकि आपको पूरा प्रॉपर समझ में आए और आपको कहीं पर कोई भी परेशानी ना हो आप मेरे एक एक स्टेप को समझ पाए ठीक है कि रेट अगर पंद्रह परसेंट था तो वो बारह महीने का था पांच महीने के लिए पांच से गुना किया पच्चीस बटे चार परसेंट आ गया परसेंटेज हटा तो नीचे सौ आ गया पच्चीस ने इसको चार बार में काटा तो एक बटे सोलह आ गया अभी हमने रेट निकाला है ठीक है अब हम बात करते हैं टाइम को लेकर टाइम का उसूल क्या होता है टाइम को महीने में बदलो ठीक है टाइम हमारा इतना दिया गया है क्या मुझे यहाँ पर ये बताओ क्या मुझे यहाँ पर इसको बताने की जरूरत है एक सही एक बटे चार साल एक सही एक बटे चार का मतलब एक प्लस एक बटे चार एक साल यहाँ पर देखो तो ये क्या है एक साल और एक बटे चार साल एक साल में कितना महीना होता है तो बोलोगे बारह या फिर ऐसे सीधा गुना कर लो ऐसे कर लो काम कि ये साल में कितना है तो चार एकम चार और एक पांच बटे चार साल कितना है तो पांच बटे चार साल है ठीक है पांच बटे चार साल है जो भी दिया गया होता है उसको ऐसे लिख लो अब मुझे यहाँ पर बताओ कि साल को महीने में बदलना है साल को महीने में बदलना है कैसे करोगे तो बोलोगे सर एक साल में बारह महीने होते हैं तो इतने साल में कितना महीना होगा तो साल में कितना महीना होता है बारह तो इतने साल में इसको बारह से गुना कर दो चार से काटोगे तीन बार में यानी पंद्रह महीना तो समय कितना दिया गया पंद्रह महीना समय कितना दिया गया पंद्रह महीना असल में जो यहाँ समय है वो पंद्रह महीने के बराबर है ये पांच बटे चार साल है एक साल जैसे एक साल में एक साल में बारह महीना तो दो साल में कितना चौबीस महीना तीन साल में कितना छब्बीस महीना उसी तरीके से यहाँ पर एक बटे चार साल एक सही एक बटे चार मतलब पांच बटे चार साल पांच बटे चार को बारह से गुना किया तो कितना महीना आ गया पंद्रह महीना ठीक है तो मैंने क्या लिखा था कि समय को लिख देना महीने में तो आपने कहा लिख दिया उसके बाद बताइए तो उसके बाद उसको भाग करना किससे फाइव मंथली है तो इसको फाइव मंथली से ही भाग करना ठीक है तो आप क्या बोलोगे सर पांच से ये कितनी बार में गया तीन बार में यानी रेशियो कितनी बार लगाना है तो तीन बार में तो लगाते हैं रेशियो तीन बार ठीक है फिर हमने यहां पर कहा कि देखिए सर ये प्रिंसिपल है प्रिंसिपल लिखे अमाउंट है अमाउंट लिखे लिख दिया आपने प्रिंसिपल कितना लेंगे सोलह तो यहाँ सोलह लिख दिया और अमाउंट कितना लेंगे तो सोलह में एक का ब्याज सत्रह ठीक है कितनी बार लेना है इस रिश्व को तीन बार लेना है तो पावर में कितना चढ़ा दोगे तीन चढ़ा दोगे ठीक है एकदम पहली क्लास से ही ये बात बताते आ रहे हैं सोलह का क्यूब कितना होता है चार हजार छानबे सोलह का क्यूब कितना होता है तो चार हजार छानबे और सत्रह का क्यूब कितना होता है उनचास तेरह सवाल में दिया क्या है पूछा क्या है तो सवाल में कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है सवाल में कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है और दिया क्या है तो सम यानी प्रिंसिपल दिया है प्रिंसिपल देकर ब्याज पूछा है प्रिंसिपल देकर ब्याज, दे ब्याज पूछा गया है तो हमने कहा ठीक है सर यहां ब्याज देखिए कितना है तेरह से छह गया तो सात आ गया दस से नौ गया तो एक आ गया आपका ठीक है और यहाँ पर हो गया आठ ठीक है ये हमारा प्रिंसिपल है ये हमारा ब्याज है और ये हमारा अमाउंट है सवाल में देखिए तो किसका मान दिया गया है? प्रिंसिपल का कितना दिया गया आठ हजार एक सौ बानबे आठ हजार एक सौ बानबे और वो किसकी वैल्यू है तो चालीस छियानबे की वैल्यू है कितने का पता करना है आठ सौ सत्रह का मान पता करना है ठीक है आप अगर देखेंगे ऑप्शन में तो कहीं ना कहीं इसी 800 का यहाँ दोगुना दिया गया है आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं इसी 800 का दोगुना दिया गया है यानी ये इसको दो बार में काटेगा और देख भी लो छः का दोगुना गुना बारह का दो हाथ में एक नौ इंटू दो अठारह उन्नीस का एक ठीक है उन्नीस का नौ हाथ में एक फिर एक और चार का दो गुना आठ यानि इसने इसको दो बार में काटा है और आठ सौ सत्रह को दो से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा सोलह सौ चौंतीस आ जाएगा कौन सा ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा आप ऐसे भी बोल सकते थे कि देखो पैसा अपने आप का दोगुना हो चुका है चार हजार छियानबे अपने आप का दोगुना हो चुका है तो ब्याज भी अपने आप का दोगुना हो जाएगा और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तो ऐसे सवालों में हमें अपना रेट निकालना होता है हमें अपना टाइम निकालना होता है और फिर उस रेट को उस टाइम के साथ जो है वहां पर रेशियो लगाना होता है ठीक है सी फोर छोड़ दिया वो रास्ता क्या बात है बहुत शानदार

और चक्रवृद्धि ब्याज का जो है इन दोनों का अंतर कितना है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो है वो अंतर कितने का है ये हमसे पूछा गया है ठीक है कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है किसका किसका तो डिफरेंस बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट का और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का ठीक है कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से यहाँ पर संयोजित है तो हर पांच महीनों पर संयोजित है ठीक है सिंपल इंटरेस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सिंपल इंटरेस्ट फाइव मंथली हो सेवन मंथली हो नाइन मंथली हो इस बात से उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है समय कितना दिया गया है तो एक सही एक बटे चार साल और रेट कितना दिया गया है तो बारह परसेंट यानी इस रेट पर इस टाइम से पांच महीने के हिसाब से जो चक्रविधि ब्याज आएगा और इस रेट पर इस टाइम का जो साधारण ब्याज आएगा उन दोनों का यहाँ पर जो होगा वो अंतर कितने का होगा हमसे यहाँ पर ये पूछा गया अब असल में अगर हम ये सवाल कर रहे होते तो हम इस सवाल को पर्टिकुलरली सक्सेसिव से बनाते तो ज़्यादा मज़ा आता काफ़ी कम समय में ये सवाल हमारा बन जाता बट अगर हम चाह रहे हैं कि सवाल को हम यहाँ पर रेशियो से बनाएं तो हम रेशियो से भी बना सकते हैं ठीक है कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले आप यहाँ साधारण ब्याज निकाल लीजिए कि साधारण ब्याज कितना होगा तो साधारण ब्याज क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड होता है ठीक है प्रिंसिपल यहाँ कितना है तो प्रिंसिपल हमारा बारह हजार है फॉर्मूला पढ़ा है ना या दोबारा बताने की जरूरत है किस आई बराबर पी आर टी अपॉन हंड्रेड होता है पढ़ा ही होगा तो प्रिंसिपल बारह हजार रेट की बात करें तो रेट हमारा बारह परसेंट और समय की बात करें टाइम की बात करें तो टाइम यहाँ पर देखो चार एक चार एक पांच बटे चार फाइव बाई फोर समय को साल में लिखते हैं तो फाइव और बाई फोर फोर नीचे चला जाता है ठीक है तो पी इंटू आर इंटू टी और बट्टे में क्या आ जाता है हंड्रेड क्योंकि बाद में तो फोर नीचे आ ही जाएगा तो इसको शुरू में ही नीचे लिख देते हैं दो जीरो से हमारा दो जीरो चला गया चार से हमारा कितनी बार में चला गया तीन बार में तो गुना करेंगे तो बोलेंगे पांच इंटू तीन पंद्रह पंद्रह इंटू बारह एक सौ अस्सी होता है ठीक है तो यहाँ पर एक सौ अस्सी लिख दिया और इसके साथ एक और जीरो है तो एक और जीरो चिपका दिया यानी हमने कितना लिख दिया अट्ठारह सौ रुपये लिख दिए पाँच इंटू तीन पंद्रह पंद्रह इंटू बारह यहाँ एक सौ अस्सी और जीरो अठारह सौ ये हमारा क्या आ गया तो ये हमारा साधारण ब्याज आ गया क्या आ गया तो साधारण ब्याज आ गया आ गया ना अब बात करते हैं हम यहाँ पर चक्रविदी ब्याज की कि हम चक्रविदी ब्याज कैसे निकालेंगे तो यहाँ पर देखो हमने कहा कि देखो ब्याज निकालने के लिए चक्रविदी ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं हम अपना रेट और अपना टाइम निकालते हैं हम अपना रेट कैसे निकालेंगे तो हम बोलेंगे कि 12 परसेंट पर एनम है यानी एक साल का रेट कितना है 12 परसेंट है तो 12 परसेंट जो रेट होगा वो कितने महीने का है 12 महीने का हमें जो रेट चाहिए वो कितने महीने का चाहिए पाँच महीने का तो हम इसको किससे गुना करेंगे पाँच से तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा पाँच परसेंट साथ में अगर हम बात करते हैं समय को लेकर तो यहाँ पर देखो ये कितना है तो पाँच बटे चार साल पाँच बटे चार साल कितना है दोबारा से बोलो पांच बटे चार साल और पांच बटे चार साल है एक साल में कितना महीना बारह महीना तो पांच बटे चार साल में कितना महीना तो इसको हम बारह से गुना करेंगे चार इसको तीन बार में काटेगा यानी कुल मिलाकर कितना महीना तो बोलोगे पंद्रह महीना ब्याज कितने महीने पर देना है पांच पांच महीने पर देना है तो कितनी बार ब्याज दोगे तो पांच बार यानी यहाँ पर जो है लगाओगे रेशियो तो आ जाएगा तीन बार यानी यहां से हमें यह पता चल जाएगा कि पांच परसेंट का कितनी बार इश्यू लगाना है तीन बार पांच परसेंट का कितनी बार इश्यू लगाना है तीन बार ठीक है पांच परसेंट की बात करें तो पांच परसेंट हमारा एक बटे बीस होता है यानी यहाँ प्रिंसिपल लिख दो और यहाँ पर क्या लिख दो अमाउंट ठीक है प्रिंसिपल तुम्हारा बीस है तो अमाउंट कितना हो जाएगा इक्कीस हो जाएगा ठीक है रेशियो कितनी बार लगाना है तीन बार तो यहाँ बीस का क्यूब कर दोगे और यहाँ पर इक्कीस का क्यूब कर दोगे प्रिंसिपल कितना आ जाएगा आठ हजार रुपए और यहाँ इक्कीस का क्यूब कितना हो जाएगा नौ हजार दो सौ इकसठ रुपए ब्याज कितना हो जाएगा बारह सौ इकसठ ब्याज कितना हो जाएगा बारह सो इकसठ अब यहां पर आप जरा देखिए किसकी वैल्यू दी है और किसकी वैल्यू पूछी है तो प्रिंसिपल की वैल्यू बारह हजार दी गई है प्रिंसिपल कितना दिया गया बारह हजार प्रिंसिपल कितना दिया गया बारह हजार और यहाँ प्रिंसिपल है कितना आठ हजार यानी इसी का डेढ़ गुना है तो ब्याज भी इसका डेढ़ गुना होगा ऐसे कह सकते हो कि आठ हजार का डेढ़ गुना बारह हजार है तो ब्याज भी अपने आप का डेढ़ गुना होगा या तो ऐसे कह सकते हो और नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि देखो यहाँ ब्याज निकालना है तो कैसे निकालेंगे तो ब्याज निकालने के लिए हम यहाँ बोलेंगे कि जो हमारा बारह हजार दिया गया है ये बारह हजार कितने की वैल्यू है तो यानी ये प्रिंसिपल की वैल्यू है यानी आठ हज़ार की वैल्यू है और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है तो बारह सौ इकसठ की निकालनी है तीन जीरो से हमारा तीन जीरो ख़त्म चार से हम इसको दो बार में काटेंगे चार से हम इसको तीन बार में काटेंगे फिर हम इसको इससे गुना करके दो से भाग कर देंगे बारह सौ इकसठ का तीन गुना तीन एकम तीन ठीक है यहाँ पर क्षेत्र के अट्ठारह का आठ एक हाथ में ठीक दुनी तीन दुनी छः एक सात तीन एक्म तीन सैंतीस तिरासी बटे में दो बोलेंगे सर दो आठ नौ एक पॉइंट पाँच अट्ठारह सौ इक्यानवे पॉइंट पाँच अट्ठारह सौ इक्यानवे हमारा क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज 1800 सौ क्या आ गया साधारण ब्याज दोनों का अंतर बोला गया है तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा तो अट्ठारह सौ इक्यानवे दशमलव पाँच में से अट्ठारह सौ घटा दो तो डिफरेंस नाइन्टी वन पॉइंट फाइव का आ जाएगा कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है यार थोड़े से सवाल जो हैं वो टफ हैं थोड़े से सवाल अच्छे लेवल के हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग छोड़ दोगे या इसका मतलब ये भी तो नहीं हुआ कि मैं आसान सवालों को करके लेके आऊँ और वहीं करवाऊँ आप लोगों को बताओ मुझे आपको तैयार करना है और आज के माहौल के अकॉर्डिंग तैयार करना है जहाँ जहाँ पर अच्छी अच्छी किताबें फेल हो जा रही हैं ऐसे सोल्यूशन देने में या अच्छे अच्छे जो लोग हैं वो अपने बैचेज में ऐसे क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं ठीक है वो नहीं करा रहे तो उनके बैचेज में सिलेक्शन नहीं होगा उनके बच्चों का हम कराएंगे हमारे बच्चों का सिलेक्शन होगा हम पढ़ाएंगे आपको आपको सब्र रखना है बस आपको सीखना है। हम तो हिम्मत नहीं आ रहे ना, तो बस आप करते रहिए। और अभी तो मैं इसका और भी शॉर्ट मेथड दूंगा ऐसा शॉर्ट मेथड दूंगा कि आप बिना कलम उठाए कर सकते हो कैसे आप यहाँ पर देखते तो बोलते पांच बटे चार इंटू यहाँ पर बारह तो पंद्रह परसेंट हो जाता और यहाँ पर जो है पंद्रह दशमलव सात दो हो जाता आप हजार को से भाग करके बता रहा हूं आप आगे चल के जब मैं आपको ना रेशियो कह रहा हूं जब मैं आपको, सक्सेसिव तो आपको इतना सारा ड्रामा नहीं करना पड़ेगा इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप सीधा बोलोगे पांच बटे चार इंटू बारह साधारण पंद्रह परसेंट और पांच परसेंट के हिसाब से तीन बारह सात छ दो पाँच सीधा जब आप सक्सेसिव पढ़ोगे ना तो सक्सेसिव पढ़ोगे तो आप बोलोगे सर ये बारह हजार है ये सौ परसेंट का मान है और हमें यहाँ पर जीरो का मान पता करना है आप गुना करके देख लो आपका आंसर इतना ही आएगा देख लीजिए जो मैं बता रहा हूं आप बोलोगे सर ये कैसे पता है देखो कर लो दो जीरो से दो जीरो खत्म आप देखो अभी करो बारह को देखो यहाँ दशमलव हटाओगे तो कितना आ जाएगा नीचे एक दो तीन एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दो और इनको गुना करके बाद में हजार से भाग कर देना बारह का पांच गुना साठ का जीरो हाथ में छः बारह दोनों चौबीस और छह तीस का जीरो हाथ में तीन बारह छक बहत्तर और तीन पचहत्तर का पांच हाथ में सात बारह सौ चौरासी और सात हमारा इक्यानवे और लास्ट में कितना है तो यहाँ पर तीन जीरो है एक दो तीन नाइन्टी वन पॉइंट फाइव आ गया कि नहीं आ गया बताओ 91.5 आ गया मात्र दो लाइन में आ गया मात्र दो लाइन में आंसर आ चुका है जिस सवाल को हमने रेशियो से इतने लंबे में किया है वो सवाल सक्सेसिव के फॉर्मूले से मात्र यहां पर दो लाइन में आ गया बताओ ठीक है मात्र दो लाइन में आ गया 91.5 तो आ गया ठीक है लेकिन अभी नहीं बताऊंगा जब मैं आपको कह रहा हूं ना कि जब यही सवाल होंगे यही टफ क्वेश्चन होंगे और इनको जब हम सक्सेसिव से कराएंगे ना तो आप यहां पर जो है वो काफ़ी शॉर्ट में सवालों को कर पाएंगे बट अभी नहीं ठीक है एक मैडम यहां पूछती हैं कि सर देखो आपको कैसे पता कि ये आठ हजार का जो है आधा गुना आधा गुना मैंने नहीं कहा था अंजलि जी हमने डेढ़ गुना कहा था डेढ़ गुना ठीक आठ हजार का एक गुना आठ हजार होता है और आठ हजार का आधा चार हजार होता है यानी हजार का डेढ़ डेढ़ गुना हजार है। गुना है है टाइम्स टाइम्स मैडम ठीक तो परेशान मत हो अभी काफी चीजें हैं अभी आप लोगों को तो बहुत कुछ सीखना है रेशम कह रही है शॉर्ट मेथड रिपीट करिए पूरा शॉर्ट मेथड फ्रॉम बेसिक पढ़ाएंगे रेशम जी अभी करिए तो सही तीस पैंतीस सवाल हो जाएं उसके बाद सक्सेसिव हम आपको पढ़ाएंगे आप कहे परेशान हो रहे हैं हम तो अभी आपको एक झलक दिखा रहे हैं कि ये सवाल इसी सवाल को जब आप आगे चलकर दो तीन क्लासेस में सक्सेसिव पढ़ेंगे तो उनमें इन सवालों को कितने शॉर्ट में करेंगे ठीक है पूरा सक्सेसिव पढ़ा देंगे ना तब तो आप देखना मैं आपसे मैंने कुछ दिन पहले एक बात कही थी पहली क्लास में ही कि मैंने गुरुकुल में एक सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट के करवा दिए और शायद ही किसी क्वेश्चन में मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ी होगी और गुरुकुल में लास्ट क्लास तक पढ़ाते पढ़ाते मैंने ऐसा कर दिया था कि लास्ट के क्वेश्चन बच्चे बिना कलम उठाए बना रहे थे यानी लास्ट के क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं और वो बहुत टफ क्वेश्चन को बिना पेन उठाए मेरे साथ बना रहे थे तो सोचिए कि उनको किस तरीके से समझ में आया होगा मैं बिना पेन उठाए कर दूं ये बड़ी बात नहीं है आप बिना पेन उठाए कर दो सबसे बड़ी बात यह है और वो मैं आपके अंदर धीरे धीरे दिखा दूंगा झलक आप परेशान मत हो आ जाओ सवाल देखो आपको धीरे धीरे यकीन हो जाएगा आप पढ़ना शुरू कर दोगे धीरे धीरे आप इन सवालों को बनाना शुरू कर दोगे आप बस पेशेंस रखो जितना पढ़ा रहा हूँ डेली क्लास अटेंड करो और रिवाइज करो सवाल में देखो क्या दिया व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन फाइव थाउजेंड फॉर टू ईयर एट अ रेट ऑफ ट्वेंटी पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली ब्याज आपको कितने नंबर में देना है तो ब्याज आपको यहाँ पर हाफ ईयरली देना है अर्धवार्षिक रूप से ब्याज देना है ठीक है अब आप यहाँ बात करते हैं सर रेट कितना है ट्वेंटी परसेंट समय कितना है दो साल अगर हम हर हाफ ईयरली पे ब्याज देते हैं हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है सिक्स मंथली अगर किसी को ये बात नहीं पता है तो इस बात को भी ध्यान लीजिए हाफ ईयरली का मतलब सिक्स मंथली होता है तो यानी हर छे महीने पर आप सामने वाले को ब्याज दे रहे हो हर छह महीने पर आप सामने वाले को क्या कर रहे हो ब्याज दे रहे हो तो इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली है और कितने पर है तो पांच हजार पर देखते चलिए जो जो दिया गया प्रिंसिपल दिया गया है कितना पांच हजार तो इसको ऐसे रखेंगे ठीक उसके बाद यहाँ बात करते हैं समय कितना है तो दो साल इसको ऐसे रहने दो रेट कितना है ट्वेंटी परसेंट पर एनम तो रहने दो सबसे बड़ा बात है ये हाफ ईयरली एनुअली होता है तो परेशानी नहीं होती है एनुअली में ना हम रेट को छेड़ते हैं ना हम टाइम को छेड़ते हैं ठीक है लेकिन अगर यहाँ हाफ ईयरली है अगर यहाँ फाइव मंथली है अगर यहाँ सेवन मंथली है तो हम रेट को भी बदलेंगे और टाइम को भी बदलेंगे तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे ना रेट को लेकर तो रेट को लेकर बात करेंगे तो जो हमारा ये रेट है ट्वेंटी परसेंट का ये रेट हमारा कितने महीने का है तो बोलेंगे सर ये बारह महीने का रेट है ठीक है और हमें यहाँ हाफ ईयरली चाहिए तो हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है छः महीने से हमें गुना करना होता है मैं आपको बाद में शॉर्ट भी बता दूंगा कि आप इसको कैसे कर सकते थे ठीक है तो आप यहाँ बोलोगे सर ये छः से हमारा दो बार में जाएगा और दो से हमारा दस बार में जाएगा यानी रेट हमारा कितना हो जाएगा तो रेट हमारा दस परसेंट हो जाएगा ठीक है अब टाइम की बात करते हैं तो टाइम यहाँ पर देखिएगा तो बोलेंगे सर समय दो साल है दो साल का मतलब चौबीस महीना होता है तो समय को यहाँ क्या लिखोगे चौबीस महीना लिख दोगे और उसको किससे भाग करोगे तो हाफ ईयरली हाफ का मतलब मंथली होता है, यानी पर हम कहेंगे च्छे। च्छे से काटोगे दस परसेंट का तो पर को फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे तो एक बटे दस लिखेंगे वन बाई टेन यहाँ पर हमने जो है प्रिंसिपल और अमाउंट लिखा अब आप मुझे बताइए प्रिंसिपल कितना रुपया दस दस में का ब्याज कितना है ग्यारह दस में का ब्याज कितना है ग्यारह ठीक है दस में का ब्याज कितना हो गया तो ग्यारह और इस रेशियो को हमें कितनी बार रिपीट करना है चार बार कितनी बार रिपीट करना है चार बार यानी पावर कितना लगाएंगे चार लगाएंगे पावर कितना लगाएंगे चार लगाएंगे तो दस का पावर चार यानी डबल जीरो डबल जीरो आ जाएगा और ग्यारह का पावर चार याद रखना है वन फोर सिक्स फोर वन होता है तो डिफरेंस कितने का तो फोर सिक्स फोर वन का डिफरेंस होता है अब आप मुझे बताइए प्रिंसिपल कितना दिया गया है तो प्रिंसिपल अगर दस हजार है तो ब्याज इतना होता है प्रिंसिपल दस हजार का आधा है यानी पांच हजार है प्रिंसिपल अपने आप का आधा है तो क्या ब्याज अपने आप का आधा हो जाएगा यानी इसी का आधा तो यहां पर छियालीस का आधा कितना हो जाएगा दो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है मुझे पता है बहुतों को पर कष्ट हो गया होगा कैसे आधा गुना कर दिए कैसे क्या बट थोड़ा थोड़ा आप लोग भी आदत डाला करो यार यहाँ दस हजार है और यहाँ पांच हजार दिया गया है मतलब इसी का तो आधा दिया गया है ना तो जब इसका आधा मान दिया गया है तो ब्याज भी इसी का तो हम आधा टिक करेंगे तो क्या आप चार हजार छ सौ इकतालीस का आधा नहीं कर सकते हो बताओ बोलोगे सर दो से दो बार में तीन बार में दो बार में और पॉइंट फाइव कर सकते हो ना बस तो डी आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर अब यहां पर देखो और शॉर्ट में आप चीजों को कैसे समझ सकते हो अगर इस सवाल को समझना हो तो आप लोग कॉपी में एक स्पेशल नोट बनाकर लिखो और स्पेशल नोट बनाकर क्या लिखो तो अभी फिलहाल एक ही शब्द बताऊंगा ज्यादा नहीं कहूंगा स्पेशल नोट में यह लिखना ठीक है और स्पेशल नोट में हाफ ईयरली का केस लिखना स्पेशल नोट में क्या लिखना तो हाफ ईयरली का केस ठीक है हाफ़ ईयरली का केस में बच्चों क्या होता है तो हाफ ईयरली के के केस में हमारा जो रेट होता है वो हमारा रेट आधा हो जाता है और समय जो होता है वो हमारा जो टाइम होता है वो हमारा समय दोगुना हो जाता है ठीक है रेट हमारा आधा हो जाता है और समय हमारा दोगुना हो जाता है रेट जो होता है वो हाफ़ हो जाता है और समय जो होता है वो ट्वाइस हाफ का मतलब यहाँ आधा का मतलब हाफ हो गया आपका और दोगुना का मतलब ट्वाइस हो गया ठीक है दोगुना का मतलब क्या हो गया तो टू टाइम्स हो गया। ठीक आज के बाद कभी भी सवालों को देखना तो यहाँ पर आप सीधा समझ जाना कि अगर हाफ ईयरली आया है अगर हाफ ईयरली आया है तो वो रेट को दोगुना कर, रेट को आधा कर देगा और समय को क्या कर देगा तो दोगुना कर देगा जैसे आप इस सवाल को पढ़ के सेकेंडो में आंसर कैसे दे सकते थे रेशियो मेथड से मनोज रावत कहते हैं सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं आप आपने कहाँ से पढ़ा था <laughs> <laughs> आपको लगता है कि हमें हमने कहीं से मतलब ये बताओ कि यहाँ पर क्लासेस ली होंगी जब आप चीज़ों पे खुद काफ़ी काम करते हैं ना तो वो आपके अपने तरीके होते हैं मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको ये पता करना है कि मैंने कहाँ से पढ़ा है तो जो मैं पढ़ाता हूँ बस वो पता कर लो कि वो इस पूरे इंडस्ट्री में किसने पढ़ाया है पता चल जाएगा जो मैं पढ़ाता हूँ जो मेरे पढ़ाने के तरीके हैं उस तरीके पर कभी किसी ने पढ़ाया ही नहीं है ये मेरे खुद के तरीके हैं और इसको मैंने डेवलप किया था जब मैं मॉक टेस्ट देता था ठीक है जब मैं काफ़ी क्वेश्चंस लगाता था तो मुझे उस पर अपना अप्रोच लगाने में काफ़ी मज़ा आता था कि नहीं यार इस पे मैं कुछ अपने तरीके ट्राई करता हूँ कुछ क्या पता इस सवालों को ऐसे बनाया जा सके पूरी दुनिया कंपाउंड इंटरेस्ट को ट्री मेथड से पढ़ाती है पूरी दुनिया यहाँ पर अलग अलग तरीके अपनाती है जो तरीके मैं अपनाता हूँ वो कभी कोई नहीं अपना सकता क्योंकि इसके ऊपर हमने काम किया है ठीक है और इन सवालों में हम किसी को फंसा सकते कोई हमें नहीं फंसा सकता क्योंकि ये हमारे अपने तरीके हैं अदिति राजपूत कहती है प्लीज कॉल आउट नंबर्स इन इंग्लिश अदिति जी बड़ा परेशान रहते हैं हम इन बातों से लेकर ठीक है थोड़ा आप भी हिंदी सीख लीजिए ना सारा आपसे सारा जो है हम ही से बुलवाएंगे क्या ये बताइए भारत में रहती हैं संख्याओं को हिंदी में अगर आपको नहीं आता है तब तो, तो बड़ा मुश्किल है आपके लिए कल के दिन आप बैंक में काम करेंगी और बैंक में मान लीजिए कि एक प्रिवेंटिव आ, प्रोविजनरी ऑफिसर बन जाती हैं और यहाँ पर आके कोई बोलता है कि मैडम छियासी हज़ार आठ सौ अड़तालीस रुपये जमा करने हैं अब आप चार बार उससे पूछिएगा कि हाँ इसको इंग्लिश में बोलो यार वो एक ग्रामीण क्षेत्र का आदमी है जो आपको आकर पैसा दे रहा है छियासी हज़ार आठ सौ अड़तालीस रुपये और कह रहा है मैडम इसको जमा कर दीजिए अगर वहाँ पर चीज़ें आपको समझ में नहीं आई तब तो आप लपेटे में आ जाइएगा फिर तो बताइए थोड़ा हिंदी आप भी सीख लीजिए यार शब्दों को हिंदी में कहना नहीं आता है तो इससे ज्यादा दुख की बात क्या बताइए जो हमारा अपना मातृभाषा है एक से लेकर सौ तक की गिनती नहीं आती है हिंदी में छियासी कितना होता है अठासी कितना होता है पचासी कितना होता है कैसे काम करेंगे आप एक आई एस आई ऑफिसर आप बन जाते हैं कहीं पर आपकी पोस्टिंग हो जाती है बताइए इमरजेंसी में कोई नंबर लगाना हो और आपका असिस्टेंट उसको हिंदी में बोल रहा है तो क्या करिएगा पहले असिस्टेंट को इंग्लिश में सिखाइएगा या पहले आप उस नंबर को हिंदी में डायल करिएगा बिल्कुल इम्प्रूव करना है मैं इंग्लिश में बोलूंगा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मैं इंग्लिश में बोलूंगा मैं मना नहीं कर रहा हूं उस चीज से कि मैं नहीं बोलूंगा आपको एडजस्ट करना है बट मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इस बात को सीखिए और इसके गंभीरता को सीखिए कि आगे चल के इसका कितना उपयोग होने वाला है अगर आपको शब्द हिंदी में नहीं आते हैं ना तो आपके बच्चे भी कभी हिंदी में नहीं सीखेंगे ठीक है क्योंकि उनकी ममा को खुद हिंदी में नहीं आता है अब जब वो नहीं सीखेंगे तो सोचो आने वाली पीढ़ी तो गई खत्म हो गई फिर तो वहीं पे ठीक है ध्यान रखिए इस बात का अब यहां पर देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये हाफ ईयरली जब दिया हो तो क्या करते हैं हाफ ईयरली में रेट को आधा कर देते हैं यानी यहाँ पर जो रेट दिया गया है वो कितना है बीस परसेंट तो आप बीस का आधा कर दो तो बीस का आधा कितना हो जाएगा रेट दस परसेंट हो जाएगा साथ में यहाँ पर दस परसेंट है तो इसको बट्टे में लिखोगे तो कितना हो जाएगा एक बटे दस अब बात करते हैं समय को लेकर मैंने कहा था समय को दोगुना कर देते हैं यहाँ समय दो साल है तो दो का दोगुना कितना हो जाएगा चार हो जाएगा दो का दोगुना कितना हो जाएगा चार हो जाएगा बस बात खत्म यानी एक बटे दस का चार बार रेशियो लगाना है यहाँ हमने प्रिंसिपल लिख दिया यहाँ हमने अमाउंट लिख दिया प्रिंसिपल हमारा दस है और दस में एक का ब्याज यानी ग्यारह है कितनी बार लगाना है चार बार तो यहाँ पर चार लगा दो बस बात खत्म दस का पावर चार कितना हो जाएगा वन डबल जीरो डबल जीरो हो जाएगा और ग्यारह का पावर वन फोर सिक्स फोर वन हो जाएगा इनका डिफरेंस ही हमारा ब्याज होता है फोर सिक्स फोर वन सवाल में जो है ठीक है ये दस हज़ार रुपये जो है यहाँ पर सवाल में प्रिंसिपल कितना दिया गया है पाँच हज़ार रुपये सवाल में प्रिंसिपल पाँच हज़ार रुपये दिया गया ये कितने का मान है तो दस हजार का मान है यानी इतना कितने की निकालनी है फोर सिक्स फोर वन की निकालनी है ये इसको दो बार में काटेगा का और ये इसको काटेगा का तो आएगा 320.5 सौ बीस दशमलव ठीक है समझ में आ गया बात यहाँ पे तो रेट को क्या करना होता है आधा और समय को क्या करना होता है दोगुना किसके केस में हाफ ईयरली के के केस में अब हम आपको हाफ ईयरली के काफी क्वेश्चंस करवाते हैं ताकि हाफ ईयरली आपको याद हो जाए सवाल में देखिए वट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ सेवेंटी टू हंड्रेड फॉर एटीन मंथ एट अ रेट ऑफ ट्वेंटी परसेंट पर एन ठीक है इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एकदम सिंपल सरल सवाल सी एच एस एल में पूछा गया कहा गया कि देखो आपके पास सात हजार दो सौ रुपए हैं ठीक है तो अठारह महीनों में बीस परसेंट के हिसाब से अठारह महीनों में बीस परसेंट के हिसाब से कितने का ब्याज बना वट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का ब्याज बना ठीक है तो आप यहाँ क्या बोलेंगे तो आप यहाँ ये यह बात बोलेंगे कि सर देखो यहाँ पर यह क्या है हाफ ईयरली है हाफ ईयरली में हम रेट को क्या करते हैं आधा रेट को क्या करते हैं आधा और समय को क्या करते हैं दोगुना रेट को करते हैं आधा और समय को करते हैं दोगुना तो यहाँ रेट लिखेंगे ठीक है रेट कितना है बीस परसेंट तो हम इसका आधा कर देंगे बीस का आधा कितना हो जाता है दस परसेंट हो जाता है और समय को हम कर देंगे दो गुना ठीक है समय यहाँ कितना है अठारह महीना अठारह महीने का दो गुना कितना होता है छत्तीस अठारह का दो गुना कितना होता है छत्तीस साल में बदलोगे या नहीं बदलोगे बताओ तो बदलोगे ना तो टाइम यहाँ कितना आ जाएगा टाइम बराबर छत्तीस महीना एक साल में होते हैं बारह महीना तो यहाँ कितने सालों में छत्तीस महीना होगा तो बोलोगे सर तीन साल ठीक है समझ में आ गया बात यहाँ पे रेट को करना होता है आधा समय को करना होता है दोगुना तो आपने बीस का आधा कर दिया दस आ गया और अठारह महीने का दोगुना कर दिया तो छत्तीस महीना हो गया छत्तीस महीने का मतलब तीन साल छत्तीस महीने का मतलब तीन साल समझ में आया बात यहाँ पे कोई परेशानी की बात है बोलोगे नहीं सर यहाँ पर देखो तो बोलोगे सर देखो छोटी सी बात को समझना ठीक है और वो छोटी सी बात क्या है तो यहाँ हम प्रिंसिपल लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे अमाउंट दस परसेंट का मतलब कितना होता है एक बटे दस होता है यानी प्रिंसिपल हमारा दस है तो उसमें का ब्याज लग जाएगा तो कितना हो जाएगा ग्यारह कितनी बार लगाना है तीन बार तो इसी का हम क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे ठीक है तो यहाँ बोलेंगे दस का क्यूब कितना हो गया एक हज़ार हो गया और, और ग्यारह का क्यूब कितना हो गया तेरह सौ इकतीस हो गया अब आप यहाँ सवालों में देखिए तो आपको प्रिंसिपल कितना दिया है बहत्तर सौ रुपये यानी आपका प्रिंसिपल कितना है बहत्तर सौ रुपये और ये बहत्तर सौ कितने का मान है तो ये बहत्तर सौ जो है ये बेहतर आपका हज़ार का मान है ये बेहतर कितने का मान है तो हज़ार का मान है हमें किसका पता करना है तो हमें यहाँ पर जो है क्या पता करना है ब्याज और ब्याज कितना है तो इन दोनों का डिफरेंस यानी तीन सौ इकतीस यूनिट है तो बेहतर जो है वो हज़ार का मान है हमें तीन सौ इकतीस का पता करना है तो हम तीन सौ इकतीस से क्या करेंगे गुना करेंगे ठीक है हमारा दो जीरो से दो जीरो चला जाएगा बहत्तर को इसके साथ गुना करके दस से भाग कर दो बहत्तर का एक गुना बहत्तर का दो हाथ में सात आ जाएगा बहत्तर का तीन गुना कितना होता है तो दो सौ सो सोलह दो सौ सो सोलह और सात कितना हो जाएगा दो सौ तेईस यहाँ पर तीन लिख दो हाथ में कितना हो जाएगा बाईस फिर बहत्तर का तीन गुना दो सौ सो सोलह दो सौ सोलह और बीस हमारा दो सौ छत्तीस और दो दो सौ अड़तीस हो जाएगा ठीक है और लास्ट में यहाँ दस से भाग करना है तो तेईस तिरासी दशमलव दो तेईस तिरासी दशमलव दो टू थ्री एट थ्री टू थ्री एट थ्री ठीक है देखो टू थ्री एट थ्री ऑप्शन आएगा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आएगा।, आएगा क्लियर हुआ ये बात बताइए तो कितने आसानी से आपने सवालों को समझा कि जब हम हाफ ईयरली करते हैं तो हम रेट को आधा कर देते हैं समय को दोगुना कर देते हैं 20 का आधा यहाँ पर 10 परसेंट हो जाता है और समय अपने आप का दोगुना हो गया तो समय हमारा 18 महीने का दोगुना 36 महीने हो जाते हैं 36 महीने को हम तीन साल लिखते हैं यानी इस रेशियो को हमें तीन बार लगाना था हज़ार का प्रिंसिपल तेरह सौ इकतीस हो जाता हज़ार का मान बहत्तर सौ दिया गया था यानी अपने आप का सेवन पॉइंट टू टाइम्स था वो ठीक है तो हमें इसका सेवन पॉइंट टू टाइम्स करना था और ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाता नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बारह चार दो हजार इक्कीस को पूछा गया ये सवाल सेम तरीके से आपको कहा गया क्वेश्चन में हाफ ईयरली ये क्वेश्चन है कुल मिलाकर आपके तीन सवाल और रहते हैं उसके बाद जो है आपको यहाँ सक्सेसिव सिखाना शुरू कर देंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री से आपका जो है वो सक्सेसिव शुरू हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री से जो है वो सक्सेसिव आपका शुरू हो जाएगा ठीक है तो क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री के पहले जितने सवाल है ये सारे रेशियो मेथड से आपको करने हैं थर्टी थर्टी वन थर्टी टू फिर थर्टी थ्री से हम आपके लिए सक्सेसिव मेथड शुरू कर देंगे ठीक है चलिए तो पहले मुझे यहाँ पर एक काम करिए आप लोग क्वेश्चन नंबर तीस क्वेश्चन नंबर इकतीस और क्वेश्चन नंबर बत्तीस ये तीनों सवाल आप लोग लिख लीजिए होमवर्क है आप लोगों का और ये तीनों सवाल आप लोगों को बना के लेके आना है जो स्टूडेंट बना लिया मतलब मैं यूँ समझूंगा कि आपको जो है वो रेशियो यहाँ पर आ गया समझ में और फिर उसके बाद हम आपको कराएंगे सक्सेसिव तो आपको और मजा आएगा ठीक है चलिए राम कुमार कहते हैं सर कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें कैलकुलेशन को करने से ही फास्ट होता है कैलकुलेशन अगर नहीं करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा राहुल सैनी कहते सर प्रिंसिपल पैंतालीस सौ है रेट आठ परसेंट है समय तीन साल है सीआईएसआई का डिफरेंस कितने का होगा वो भी करवाएंगे राहुल सैनी जरा एक बार आप अपनी शीट जो है वो देख लीजिए शीट में आपको दो साल का भी डिफरेंस दिया है तीन साल का भी दिया है राहुल सैनी एक काम करिए इसी क्वेश्चन में मेरी तरफ से बस एक छोटा सा एडिशन कर लीजिए आपने जो प्रिंसिपल दिया पैंतालीस सौ उसको वहीं रहने दीजिए रेट जो आपने आठ परसेंट दिया वही रहने दीजिए समय आपने मुझे तीन साल दिया है मैं आपको समय ढाई साल देता हूँ और आप ढाई साल का डिफरेंस निकाल के दिखा दीजिए मैं आपके समय को और कम कर देता हूँ और टाइम बराबर ढाई साल कर लीजिए और फिर आप मुझे डिफरेंस बताइएगा कितना आएगा ठीक है चलिए थोड़े बच्चे होते हैं कहीं कहीं से कुछ कुछ सीख लेते हैं फिर उसके बाद ऐसे लगता है जाके मास्टर साहब से पूछेंगे देखते हैं इनसे आता है कि नहीं आता है <laughs> चलो शीट में सब कुछ दे रखा है और इतना कुछ दे रखा है कि अगर आप मेरी शीट किसी से टीचर से सॉल्व भी करवाओगे ना शायद उनसे भी ना बने परेशान मत हो अभी ठीक है समय लगेगा पूरा सीखो पहले ठीक चलो बढ़िया है पढ़ो मन लगा के मिलते हैं अगले क्लास में थोड़ा गर्दा उड़ाते हैं ठीक है चलिए खुश रहिए मस्त रहिए ध्यान रखिए लव यू ऑल